हेलो दोस्तों, वन मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है चैंपियन सर्विसेज सेक्टर्स। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ही हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए। ऑल राइट, तो अच्छा, चैंपियन सर्विसेज सेक्टर में कितने सेक्टर्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली है, 12 सेक्टर्स, 12 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। फ्री में आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, क्या कुछ सेक्टर्स को खास ध्यान देंगे, उनको सरकार प्रमोट करेगी एंड सर्विसेज में उसके उस पर ग्रोथ फिटनेस की जाएगी एंड GDP में फायदा होगा, एक्सपोर्ट में फायदा होगा, बहुत कुछ फायदा होगा। ये सेक्टर्स को चैंपियन बनाकर सरकार इनको आगे पुश करने की बात कर रही है। सेक्टर्स कौन से हैं, प्री में पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान है याद करने। ये एक तो IT, टूरिज्म से जुड़े हुए, मेडिकल से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और अकाउंटिंग वाले, ऑडियो विजुअल, लीगल, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई इंजीनियरिंग, याद रखना कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, ठीक है, यहाँ पर अकाउंटिंग था तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज है एंड देन एजुकेशन सर्विसेज जो हमारा स्लीपी क्लासेस भी आपको करता है, ओके। देन इसके बाद सरकार ने 5,000 करोड़ का इसके लिए फंड अलग से रखा है और इसके लिए बहुत सारे सेक्टोरल एक्शन प्लान बनाए हैं। मिनिस्ट्रीज को कहा गया है कि अपने अपने एक्शन प्लान बनाकर सबमिट कीजिए एंड लेकिन इनको ओवरऑल इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर ही इसकी मॉनिटरिंग होगी कि क्या क्या प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव है इसका कुछ कि ज़्यादा जॉब क्रिएट करनी है, GDP बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं सर्विसेज का, ताकि हमारे देश का जो अभी देखें अगर ग्लोबल लेवल पर सर्विसेज में हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन 3.3% है तो उसको 4.2% करना है 2022 तक, ठीक है। और अभी देखें अगर सर्विसेज का जो शेयर कितना हमारा जो GDP में GVA में लगा लो है ना 53% है, उसको बढ़ाकर 60% करना है, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट्स भी हैं, ये आपको पूछ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात क्या थी, कितना फंड एलोकेट कर रहे हैं, कितने सेक्टर्स हैं यहाँ पर और शायद सेक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं, किसकी निगरानी में चलेगा ये, कैबिनेट सेक्रेटरी की निगरानी में, ठीक है मित्रों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक्स अ लॉट।